अप टू थर्टीन हंड्रेड बी सी तक आपका आता है लेट हरपन बट पढ़ना है तो आपको एक ही चीज पढ़नी है that is mature और आपका ये जो मैप है दैट क्लियरली यू कैन सी दैट ये मैच्योर सिविलाइजेशन वाला मैप है तो मैच्योर सिविलाइजेशन में हरप्पन सिविलाइजेशन जो है मैच्योर फेस में वो गंगे सॉरी इंडस प्लेन के अराउंड ही सिचुएटेड है अगर आप प्री हरप्पन फेस की बात करोगे देन प्री हरप्पन फेस में हरप्पा का जो स्पैन था वो ये था एंड लेट हरप्पन फेस में हरप्पा जो है वो इस पर्टिकुलर स्पैन में ज़्यादा फैल गई थी एंड दैट्स द जब हम हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं और प्रिसाइडली उसके एक्सटेंट की बात करते हैं तो इट इज़ कंसिडर कि ये मांडा से लेके दियामाबाद एंडर आफ्टर आलमगीरपुर से लेके सुतका जेंडर तक फैली हुई है नाउ यू कैन लुक एट द मैप ओके इफ यू लुक इन दिस मैप जब आपको मांडा मिल जाएगा एंड दर आफ्टर आपको सुदका जेंडर भी मिल जाएगा तो नॉर्थन मोस्ट एक्सटेंड जो है ओके okay, वो नॉर्थन मोस्ट एक्सटेंड जो है वह है आपका मांडा का है दर आफ्टर फिर सुतका जेंडर जो है वो सुतका जेंडर जो है वो वेस्टर्न मोस्ट साइट है हरपन सिविलाईजेशन की और इसके अलावा फिर अगर आपने देखा तो आपको दियामाबाद एंड दर आफ्टर आलमगीरपुर जो है वो मैप में नहीं मिलेगा बिकॉज ये दियामाबाद एंड आलमगीरपुर जो है ये लेट हरप्पन फेस की साइट है तो यहां पे रफली आता है आपका दिया आलमगीरपुर आलमगीरपुर इज इन मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश एंड आफ्टर रफली महाराष्ट्र में आता है आपका दियामाबाद तो दियामाबाद एंड आलमगीरपुर जो है वो लेट हरप्पन फेस है इसके लिए वो फिर वो आपको इस पर्टिकुलर मैप में नहीं मिलेंगी क्योंकि हरप्पा जो है इट वॉज मूविंग सिविलाइजेशन एज आई हैड टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो प्री हरप्पन फेस में इन लोगों का ईरान पाकिस्तान बाउंड्री पे ज्यादा प्रेजेंस था राजस्थान गुजरात वाला जो एरिया है एंडर आफ्टर हरियाणा एंड पंजाब एंड उत्तर प्रदेश वाला पार्ट ऑल्सो तो यहाँ पे इनका जो प्रेजेंस है वो हमेशा ज्यादा है ड्यूरिंग द लेट हरप्पन फेज तो दिस इज द रफ एक्सटेंट ऑफ द सिविलाईजेशन दैट वी कैन क्लियरली